हेलो भाई, आज हम आपको बताएंगे जो जे आमले होते हैं इनका मुरब्बा कैसे बनाया जाता है। आमले का मुरब्बा बनाना भी बहुत ही आसान है। हम अपने घरों में आसानी से आमले का मुरब्बा बना सकते हैं और शुद्ध और सस्ता। आमले मंडी में आराम से मिल जाते हैं। जैसे जैसे मैंने विधि आपको बतानी है आमले का मुरब्बा बनाने की, वैसे ही आपने जे जैसे वैसे वैसे आपने सारा मिश्रण तैयार करना है और आपका जो आमले का मुरब्बा है बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट बनेगा। तो चलते हैं आगे उस वीडियो को, और जो आमले का मुरब्बा है ये कैसे बनाया जाता है आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखना है। जो जो मैंने विधि बतानी है वैसे वैसे आपने भी ये आमले का मुरब्बा बनाना है, तो आपका मुरब्बा भी बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनेगा, बाजार से सस्ता बनेगा आपका आमला। तो चलते हैं आगे उस वीडियो की ओर, ये आमले का मुरब्बा कैसे बनता है। तो हेलो गाइज, आमले का मुरब्बा बनाने की विधि अभी तैयार हो रही है। पहले हम ये कढ़ाई में डाल लेंगे पानी, फिर इसमें हम डालेंगे ये हमारे पास है चूना। चूना आराम से पान की दुकान से मिल जाता है। चूना थोड़ा सा डालना इसके अंदर, पानी के अंदर डालना थोड़ा सा चूना, बिल्कुल थोड़ा सा चूना ये वाला, इस तरह हम पानी में डाल देंगे। ये हमें चूना सारा डाल देना पानी में, ये हमने पानी में डाल दिया है। अच्छी तरह इसको घोल देंगे, पानी को चूने को पानी में अच्छी तरह घोल देते हैं हम। अभी तो ये चूना हमने पानी में डाल दिया है, तो अब हम इसके अंदर आमले कच्चे जो है इसमें डाल देंगे। आमले कच्चे इसलिए डालने हैं हमने चूने पानी के अंदर डाल दिए हैं सारे आमले। तो सारे आमले हमने इस चूने वाले पानी में डाल दिए हैं। तो ये जो आमले है चूने वाले पानी इसलिए डालते हैं ताकि इसकी जो कड़तन होती है, कोड़ापन होता है आमले का, वो सही हो जाए। तभी हमने रात को भिगो दिए है चूने वाले। सुबह हम इन आमलों को पानी से निकाल लेंगे, उसके बाद इनका मुरब्बा बनाया जाएगा। जैसे जैसे मैंने आपको ये विधि बतानी है आमले का मुरब्बा बनाने की, वैसे वैसे ही आपने आमले का मुरब्बा बनाना है। मेरे द्वारा बनाया गया मुरब्बा बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट बनेगा और सस्ता भी बनेगा। अब हम जो आमले है उनको पानी से निकाल लेंगे, जो हमने चूने वाले पानी में डुबो कर रखे हुए थे रात के। अभी हम इनसे इनको अभी हम इन सभी आमलों को पानी से निकाल लेंगे। अभी सभी इन आमलों को भी हम पानी से निकाल कर बाद में हम इनको गर्म पानी में उबाल लेंगे। जो आमले हैं हमने पानी से अभी निकाल लिए हैं, इनको हम अभी गर्म पानी में उबाल लेंगे, उसके बाद हम इसका मुरब्बा बनाएंगे। अभी हम जो आमले हैं उनको पानी में गर्म करेंगे। हमने पानी कढ़ाई में डालकर रख दिया गर्म होने के लिए। जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इसमें आमले डाल देंगे। तो आमले तब तक गर्म करने हैं, जैसे ही आमले गर्म हो जाएंगे इसमें कट से पड़ जाएंगे, से हम आलू उबालते हैं, आलू में कट पड़ जाते हैं, आलू फट जाते हैं गर्म करने से, ऐसे ही फट जाएंगे। तब इनको हम गर्म पानी से निकाल लेंगे आमलों को। तो पानी लगभग हमारा ये गर्म हो रहा है, उसे भाप निकल रही है, बुलबुले भी छोड़ रहा है पानी। तो हम अभी इसमें जो आमले हैं निकाले थे हमने, उन आमलों को अभी इसमें गर्म पानी में डाल देंगे।
गर्म होने के लिए आमलों को, सारे आमले हम अभी हमने गर्म पानी में डाल दिया है। जैसे ही आमले गर्म हो जाएंगे, उबल जाएंगे आमले गर्म पानी में, इनमें कट से पड़ जाएंगे, फट जाएंगे, तो हम इसमें से गर्म पानी से इनको निकाल के फिर मैं इसका मुरब्बा बनाएंगे। जैसे जैसे मैंने आपको विधि बतानी है, वैसे वैसे सारा ये काम विधि आपने भी करनी है, तो आपके जो आमले का मुरब्बा है बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट बनेगा और शुद्ध बनेगा, बाजार से सस्ता बनेगा। तो अब हम आमले का जो आमले है इनको गर्म होने देते हैं, तब तक हम इसका इंतजार करेंगे। जो आमले है ये लगभग हमारे उबल के तैयार हो गए हैं, अभी हम इनको गर्म पानी से बाहर निकाल लेंगे ठंडे होने के लिए, उसके बाद हम इसका मुरब्बा तैयार कर लिया है। तो ये आमले हमारे मुरब्बा बनने का लायक हो गए हैं, देख सकते हो आप, जिसकी सजा पूरा फट रहा है पूरा, किस कमल के है जो हमारे है आमले उबल के तैयार हो गए हैं। अब हम इसका मुरब्बे के लिए तैयारी करेंगे, मुरब्बा कैसे बनता है वो भी आपको दिखाते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है मुरब्बा बनाने का इसका। हेलो गाइज, मुरब्बा बनाने के लिए अब हम जो चीनी है उसकी चाशनी बनाएंगे। एक किलो आमले में जो चीनी, इसको मीठा बोलते हैं, वो आधा किलो पड़ेगी। हम आधा किलो चीनी की बनाएंगे चाशनी। चाशनी गाढ़ी बनानी है, पतली बनानी है, ये आपके इच्छा के अनुसार है। कुछ ही देर में ये चाशनी बनके हमारी तैयार हो जाएगी, तो हम इसमें जो उबले हुए आमले हैं वो डाल देंगे। आमले का मुरब्बा सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, लीवर के लिए, पेट के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, बालों के लिए, जो आमला बहुत ही गुणकारी होता है। जो आमले का मुरब्बा बहुत ही बनाना भी आसान है, सस्ता पड़ता है घर में बनाना और शुद्ध बनता है। तो लगभग हमारी जो चाशनी है बनके तैयार हो गई है, अब हम इसमें जो उबले आमले हैं वो डाल देंगे। चाशनी बिल्कुल हमें तैयार है, जो उबले हुए आमले हैं सभी हमने इसमें डाल दिए हैं, इसको मिक्स कर देंगे। तो ठंडा होने के पश्चात इन आमलों को हम डब्बे में भर के रख लेंगे, कुछ ही दिनों में हमारे जो आमले का मुरब्बा है बनके तैयार हो जाएगा। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताँ जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, कि जो आमले का मुरब्बा है घर में बहुत ही सस्ता और आसान बनता है, तो और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।